हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉइंटर शॉप पर। और आज हम बात करते हैं गूगल माय बिजनेस SEO की। हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉल्स आते हैं कि उनका लिस्टिंग गूगल सर्च में किसी भी कीवर्ड पर किसी भी रैंक में कहीं भी शो नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या करें। आज मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा, अगर आप अपने गूगल माय बिजनेस में ये 5 पॉइंट इम्प्लीमेंट करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं और टाइम टू टाइम ये सब चीज़ें करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी गूगल माय बिजनेस लिस्टिंग कुछ ना कुछ इम्प्रूव जरूर होगी। हो सकता है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए, हो सकता है कम इम्प्रूवमेंट हो, बट इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपकी लिस्टिंग पर कोई फर्क न पड़े। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन है तो सबसे पहले आपको अपना गूगल माई बिजनेस पर लिस्टिंग लगाना है। लिस्टिंग कैसे लगाते हैं उसके ऊपर काफ़ी वीडियोज बनाए हुए हैं, वीडियोज आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। कोई भी क्वेरी या कन्फ्यूजन अगर गूगल माई बिजनेस से रिलेटेड है तो वह क्वेरी लिखकर पॉइंटर शॉप आप यूट्यूब पर सर्च करें, आपको उसका वीडियो डेफिनेटली मिलेगा। हम 100+ वीडियोज गूगल माई बिजनेस के ऊपर बना चुके हैं और आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ गूगल माई बिजनेस के SEO के ऊपर है कि आप गूगल माई बिजनेस का SEO कैसे करें। सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी चेक करनी है कि जो कैटेगरी आपने डाली है वह कैटेगरी सही है या नहीं है। अगर आप एक लॉयर है तो लॉयर से रिलेटेड कैटेगरी डालना है, अगर आप पैकर मूवर है तो पैकर मूवर से रिलेटेड कैटेगरी डालनी है, आप हॉस्पिटल रन करते हैं तो हॉस्पिटल से रिलेटेड कैटेगरी डालनी है, आप डॉक्टर है तो डॉक्टर से रिलेटेड कैटेगरी डालनी है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कैटेगरी, और आप यह कैटेगरी अप टू 10 कैटेगरी तक ऐड कर सकते हैं। इनिशियली एक कैटेगरी ऐड होती है जब आप लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, उसके बाद जब लिस्टिंग लाइव हो जाती है तो उसके बाद आप काफ़ी कैटेगरी डाल सकते हैं, अप टू 10 कैटेगरी। आपको कम से कम 5 कैटेगरी डालनी है, उससे आपकी प्रोफाइल अप रहेगी। उसके बाद आपको अपना प्रोफाइल अपडेटेड रखना है। अपडेटेड आप अपना प्रोफाइल कैसे रख सकते हैं, रिलेवेंट इमेजेस डालनी है, रिलेवेंट वीडियोज डालने हैं, रिलेवेंट पोस्ट डालनी है, आप जो भी एक्टिविटीज वहां पर दी हुई है वो सब करना है। उसके बाद आपको चेक करना है कि जो प्रोफाइल आपने बनाया है वह कंप्लीट है या नहीं। वहाँ पर सर्विस और प्रोडक्ट का भी एक ऑप्शन है, आप अपने सर्विसेज या प्रोडक्ट ऐड करें। अगर आप सर्विस और प्रोडक्ट ऐड नहीं करेंगे तो हो सकता है आपकी लिस्टिंग कम कीवर्ड पर सर्च हो, इसलिए प्रोडक्ट और सर्विस ऐड करना बहुत ज़रूरी है अपनी लिस्टिंग में। आप प्रोडक्ट और सर्विसेज ऐड करने से उसकी इनसाइट्स में काफ़ी ज़्यादा फर्क देख सकते हैं। उसके बाद जो पॉइंट है कि आप किसी SEO एक्सपर्ट से कांटेक्ट करें, आप किसी SEO एजेंसी से या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से कांटेक्ट करें, वह आपका प्रोफाइल देखकर बता सकता है कि उसमें क्या क्या कमियां हैं। उसके लिए एक बार आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं अपना प्रोफाइल ऑडिट कराने के लिए। अगर कोई कमी होगी तो उसको हम दूर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और गूगल माई बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी या कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछें। थैंक यू।